रागयमन। जब हम लोग सीखना शुरू करते हैं, पालटा अलंकार जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जब राग सीखने की बारी आती है, तो राग यमन से ही लगभग 99% सभी लोग शुरू करते हैं। ये सबसे बेसिक राग है, संपूर्ण जाति का है, क्योंकि सातों स्वर लगते हैं। ये कल्याण थाट से लिया गया है, तिब्रमा इसमें यूज होता है। राग के बारे में जानने से पहले कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। राग कब सीखना शुरू करना चाहिए? सबसे पहले कुछ महीने पालटा अलंकार का रियाज, शुद्ध स्वरों पे सही ढंग से स्वर की पहचान होने के बाद गले में जब रियाज आ जाए, तब राग सीखना शुरू करना चाहिए। राग सीखने का मतलब क्या होता है ये समझते हैं। बहुत से लोग जो सीख रहे हैं वो ये समझते हैं कि राग यमन शुरू हुआ, वादी संवादी लिख दिया गया, इसका समय क्या है गाने का, इसकी जाति क्या है, उसके बाद आरोहण अवरोहण लिख के बंदिश लिख देते हैं, उसका नोटेशन देते हैं और कहते हैं ये राग यमन हो गया। ताल में थोड़ा तान सरगम भी दे देते हैं, बोलते हैं राग यमन अब समाप्त हो गया। एक दो बंदिश, तीन चार बंदिश दे के पूरा करके फिर बोलते हैं हाँ राग यमन का काम अब हो गया। पर ऐसा नहीं है। राग एक इमेजिनेशन है, राग का एक अपना नेचर है, कैसे गाना है। सिर्फ स्वर लगा देने से राग नहीं बन जाता, स्वर को गाना कैसे है वो बातें होती है यमन की, या किसी भी राग की। जितने भी राग हैं उसकी अपनी एक पहचान है, उसको गाना कैसे, उसका रास्ता क्या है, हम सोचेंगे कैसे। कभी हम लोग ये नहीं सोचते कि उस्ताद लोग जो मेस्ट्रो हैं, उस्ताद हैं, वो किसी भी बंदिश को घंटों भर कैसे गा लेते हैं। हम लोगों को मिलती है तो चार लाइन की बंदिश है, पाँच मिनट में ख़त्म हो जाती है, पाँच मिनट भी नहीं और कम, थोड़ा तांजर कम करे तो पाँच मिनट। तो वो कैसे गाते हैं, उसको विस्तार कैसे करते हैं, किस स्वर पे कैसे बढ़ते हैं, ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। खुद से हम इमेजिन कैसे करेंगे, वो रास्ता, सही रास्ता कैसे चुनेंगे, ये सभी चीज़ जो है राग यमन जब शुरू होता है तो एक शिक्षक का काम है, सही जो टीचर है उनका काम है कि सही चीज़ बताएं, सही इमेजिनेशन बताएं कि जो स्वर है राग यमन का उस पर हम लोग बढ़ेंगे कैसे, उसको सीखेंगे कैसे, गाएंगे कैसे, उसको सजाएंगे कैसे। तो चलिए राग यमन को हम समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले राग यमन का जो चलन होता है कि हम इसको गाएंगे कैसे, सरगम कैसे आगे बढ़ेंगे राग यमन में, वो चीज़ें होती हैं, उसको समझेंगे। फिर आती है बंदिश और वो चीज़ें। तो बंदिश की तो वीडियो मैंने बनाई है, पर राग यमन का जो बेसिक इंट्रो है वो इस वीडियो में हम समझते हैं। पूरी चीज़ें क्या है, राग यमन को समझेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे। सबसे पहले ये कल्याण थाट का राग है। कल्याण थाट में तिब्रमा यूज होते हैं, उपयोग होते हैं, और इसकी जो जाति है, राग की अपनी जाति होती है, कितने स्वर लगते हैं उसके अनुसार उसकी जाति बताई जाती है। तो राग यमन संपूर्ण जाति का है, सातों स्वर लगते हैं आरोहण और अवरोहण दोनों में। और उसके बाद इसका जो समय है, समय रात्रि का प्रथम पहर, अर्ली नाइट्स, मतलब 9 बजे से 12 बजे का जो समय है, उस वक्त जो हमारा राग का टाइम टेबल है उसके अनुसार बताया गया है। कुछ बातें और समझते हैं कि कुछ लोग ये समझते हैं कि राग यमन जब भी हम रियाज करेंगे या प्रैक्टिस करेंगे तो शाम में ही करेंगे, रात में ही करेंगे, पर ऐसा नहीं है। जब हम राग यमन सीखना शुरू करते हैं तो दिन रात गुरु वही सिखाते हैं, वही सीखना पड़ता है। तो सुबह हो चाहे दोपहर हो, कभी भी हम सीखने के दौरान कभी भी गा सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। कहीं ये नहीं लिखा है कि राग यमन को हम सुबह में नहीं गा सकते, ये किसी भी किताब में नहीं लिखा है। तो जब हम लोग का जैसे तालीम शुरू होता है राग यमन का, हमारे गुरु सिखाने लगते हैं राग यमन अब चल रहा है, तो एक दिन में ख़त्म नहीं होता, ये कई सप्ताह चलते हैं, महीनों चलते हैं। तो हर दिन सुबह शाम राग यमन लेके सोचना पड़ता है, बैठना पड़ता है। तो ये जो नियम लोग अगर ऐसा समझ रहे हैं कि राग यमन को सिर्फ शाम में गाया जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। सीख लेने के बाद जब परफॉर्मेंस होती है, जब लोग गाने बैठते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। शाम के वक्त राग यमन को बनाया गया है, जो उस्ताद लोग हैं, बड़े लोग जो हैं, उन्होंने राग के टाइम सर्कल टाइम जो है टाइम को ही फॉलो करके ज़्यादातर लोग गाते हैं, अच्छा लगता है सुनने में।
आइए समझते हैं राग यमन। सभी लोगों को अपने स्केल पर ही समझना है। मैं अपने स्केल में गाऊंगा, आप लोग सही ढंग से कॉपी कलम लेके बैठिए कि राग यमन को हम लोग सोचते कैसे हैं, बढ़ते कैसे हैं, इसमें इसका जो आरोहण अवरोहण है वो देखते हैं। ने रे गा मा धने सा सा ने धा पा मा गा सा, ये आरोहण अवरोहण है। अब राग की मेन चीज आती है राग का चलन, राग की पहचान, कैसे हम शुरू करेंगे इसको गाना, रास्ता क्या है, आइए समझते हैं। इसको लोग आलाप में भी गाते हैं, मैं सरगम से गा के बता रहा हूं। ये राग यमन का इंट्रो पार्ट है, बड़ी ध्यान से समझिएगा इसको। मैं सरगम से ही गा रहा हूं कैसे गाना है। सबसे पहले सा सा साने सा से उतरे हैं साने ने सा जो गाए हैं वो नी से होके गया है ने सा सा ने धा धने के बाद नहीं, ये गायकी समझिएगा, बहुत बेसिक करके बता रहा हूं। धने ने धसा मंद्र सप्तक की तरफ आते हैं। ने धा पा मा एकदम बेसिक है। मैं कुछ भी हार्ड करके नहीं बता रहा हूं, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूं। रे ना ये सब मैं नहीं कर रहा हूं, स्वर के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब चलते हैं, थोड़ा मंद्र सप्तक का काम हो गया, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। आगे कैसे बढ़ता है ये मन सा पे जाने का एक और रास्ता है, सीधे जा सकते हैं ने रे गा
रे, ये जो रे है अलग है तरीका, ने रे, ऐसे नहीं किया हूं। अगर ऐसे करूंगा ने रे इसका मतलब है सा पे लौट जाएंगे। गा पे जाने का तरीका थोड़ा अलग है रे पे, रे को गाने का। ने रे, ये क्या हुआ, ग को टच करते हुए रे गाना है। ने रे ग ग रे ग रे, ये क्या है, गम रे गम रे, म टच किया ग होते हुए रे पे आया। ग रे ने रे सा, ये सब रास्ता है। सा पे ज्यादा देर तक रुका जाता है। सा, अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ने रे गा रे मा गा, ग वादी है इसलिए ग पे ज्यादा ठहरना है। रे मा गा, रे को गाएं माँ पे गए लेकिन फिर लौट के गा पे आ गए। वादी का जो वादी स्वर होता है वो उस पे सबसे ज़्यादा ठहरना पड़ता है, उसके बाद समवादी स्वर पे ठहरना होता है। बाकी स्वरों की अपेक्षा वादी स्वर पे सबसे ज़्यादा ठहरा जाता है, उसके बाद बाकी स्वरों की अपेक्षा समवादी पे ठहरा जाता है। वादी से थोड़ा कम और दूसरे स्वरों से थोड़ा ज्यादा ठहरा जाता है संवादी पे, जैसे नी पे ने ने रे सा, ये बात है। अब गा पे ने रे गा, गा पे रुकना है। गा रे मा ग म रे ग ग रे ने रे सा, सा पे लौटने का तरीका है ग रे सा, जल्दी नहीं आते हैं। नी रे सा, नी ध सा, ऐसे ने रे ऐसे लौटते हैं सा पे। ने ध सा, ऐसे लौटते हैं यमन में। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। ने रे गा मा गा मा मा पा, कभी भी माँ से डायरेक्ट पा पे नहीं जाते, माँ से गा पे लौट के फिर पा पे जाएंगे। मा पा पा, गा से पा गया, मा गा पा, ये बात है। रे गा मा गा पा, आगे से जा सकते हैं धा होके, जैसे माधा पा, ऐसे जा सकते हैं। गामा मागापा पा मागामरेगा, ऐसे लौटते हैं। ग रे ने रे सा, अब थोड़ा धा को दिखाते हैं।
कभी भी गामा पाधा नहीं जाते हैं। गामा धामा गामा धामा गामा ऐसे जाते हैं। अगर नी पे पहुंचेंगे तो क्या होगा? मा धा ने दा ने दा सा ने पा ऐसे आ सकते हैं। ये रास्ता है राग यमन का। कोई भी बंदिश जब हम लोग गाते हैं या विस्तार करते हैं तो ये जो रास्ता है इसे बड़ी ध्यान से समझना पड़ता है। जब उस्ताद लोग इसी चीज़ को गाएंगे तो और थोड़ा एडवांस लेवल का गाएंगे। इसी चीज़ को आकार में वो लोग गाने लगते हैं। रे ने दसा, ये बात है। कैसे हुआ अभी? ये चीज थी। कुछ और बहुत अच्छी चीजें हैं। ने रे गा मा पा रे ये सभी चीज़ें हम कर सकते हैं। तो ये राग यमन का पहचान हुआ। जब हम लोग बंदिश गाएंगे इन सभी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, ये है पहचान राग यमन की। इसके बाद लोग बंदिश सीखते हैं कि हाँ, इसका पहले खूब रियाज करके रास्ता समझ के फिर बंदिश सीखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये था राग यमन की पहचान, इंट्रो, एकदम बेसिक। ये रास्ता है चलने का, ये विस्तार करने में बड़ा सहायक होता है। राग यमन से रिलेटेड और अगर कोई बात हो तो मुझे ज़रूर बताइए, मुझसे ज़रूर पूछिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। और मैं कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए। डिस्क्रिप्शन में बहुत सिस्टमेटिक ढंग से प्लेलिस्ट बनाया गया है, उसे देखिए। और अगर कोई बात हो तो कमेंट कीजिए। अपनी पर्सनल चीज़ों को कुछ मुझसे अगर कहनी हो, अपनी बात अगर कुछ कहनी हो तो आप फेसबुक पेज पर मैसेज कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। धन्यवाद।